नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे प्रभात एग्ज़ाम के बहुत ही अच्छे बुक का। दोस्तों हम रिव्यू करेंगे एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट एग्ज़ाम टीयर वन और टीयर टू के लिए दोस्तों बेस्ट बुक का हम रिव्यू करेंगे, ठीक है ना। ये दो बुक दोस्तों आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मिल जाएंगे और बुक दोस्तों काफ़ी अच्छे हैं। इस बुक में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ कंप्लीट सिलेबस को कवर किया गया है, परफेक्ट गाइड है दोस्तों, ठीक है। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को फॉलो किया गया और सिलेबस को भी पूरा का पूरा कवर किया गया, ठीक है। जैसे ये बुक दोस्तों देखिएगा आप, यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, साथ में आपको सारे सब्जेक्ट का थ्योरी प्लस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से इस बुक में दिया गया है, ठीक है। कंप्लीट स्टडी मटेरियल है दोस्तों ये एसएससी सीजीएल 2023 एग्जाम के लिए, टीयर वन और टीयर टू दोनों कवर हो जाएगा एक ही बुक के माध्यम से। देखिएगा सबसे पहले आपको समान जागरूकता, संख्यात्मक मतलब मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया और कंप्यूटर नॉलेज आपको देखने को मिलने वाला है। इन दोनों बुक के एमआरपी के बारे में बात करें तो हिंदी वाले बुक का एमआरपी 525 रुपये है, जिसपे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिल जाएगा। प्रभात एग्जाम की तरफ से ये बुक है दोस्तों, ठीक है ना। नंबर ऑफ पेज अगर बात करें इस बुक में आपको लगभग 440 पेज आपको देखने को मिलेंगे हिंदी वाले बुक में, और इंग्लिश वाले बुक में भी 400 के आसपास पेज देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश वाले बुक का जो एमआरपी है दोस्तों 465 रुपये है, जिसपे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। अब दोस्तों अगर हम कंटेंट को देखें, सबसे पहले हिंदी वाले बुक का कंटेंट को देखते हैं तो सबसे पहले आप दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है 1/12/2022 और 4/12/2022 के पेपर आपको देखने को मिलेंगे, तो दो सॉल्व पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में सब्जेक्ट वाइज आपको थ्योरी प्लस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। समान जागरूकता है जिसमें आप प्राचीन भारत का सारे सब्जेक्ट टॉपिक को कवर किया गया, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत है, उसके बाद दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, ठीक है, भारतीय राजव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था भी देखने को मिल जाएगा, उसके बाद सामान्य विज्ञान, उसके बाद दोस्तों मैथ्स आपको देखने को मिलेगा, रीजनिंग आपको देखने को मिल जाएगा और साथ में आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और कंप्यूटर नॉलेज भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों आपको सॉल्व पेपर यहाँ सबसे पहले दोस्तों देखने को मिलेगा एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 1/12/2022 मतलब 1 दिसंबर 2022, बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है ये। बस यहाँ पे दोस्तों आपको हर एक सेक्शन को कवर किया गया है, जिसमें सबसे पहले जो सेक्शन है रीजनिंग है, रीजनिंग के सारे रियल क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का लेवल होता है एसएससी सीजीएल के टीयर वन का। उसके बाद सामान्य जागरूकता आपको देखने को मिलेगा, मैथ्स देखने को मिलेगा, उसके बाद दोस्तों आपको इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अब दोस्तों उसके बाद डिटेल आंसर की आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही शानदार तरीके से आंसर की को कवर किया गया है, देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से आंसर की को कवर किया गया है, ठीक है। बहुत ही परफेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा, एग्जाम ओरिएंटेड आपको आंसर देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे जीके वाले क्वेश्चन में दोस्तों देख सकते हैं कि 3-4 पॉइंट में आपको बताया गया ताकि आपका मल्टीपल क्वेश्चन आप तैयार कर सके एक ही क्वेश्चन से, हर एक ऑप्शन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो जीके वाले जो क्वेश्चन है उनको काफ़ी बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन आपको लगने वाला है। मैथ्स वाला क्वेश्चन दोस्तों हर एक बेसिक स्टेप्स को फॉलो किया गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से इन्होंने मैथ्स को भी समझाया हुआ है, ठीक है। बुक दोस्तों परफेक्ट है, ऊपर में आपको ये बताया गया है कि कौन सा सेट आप सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से इंग्लिश वाला भी सॉल्यूशन आपको देखने को मिलने वाला है दोस्तों, सभी चीज़ का इसमें ध्यान में रखा गया है, ठीक है ना। इस तरह से प्रीवियस ईयर पेपर देखने को मिल जाएगा, साथ में आपको यहाँ से समान जागरूकता स्टार्ट होता है दोस्तों, ठीक है। समान जागरूकता में पहला टॉपिक है इतिहास, इतिहास के स्रोत प्राचीन भारत है, देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हर एक टॉपिक को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे टॉपिक को बताया गया। पहले थ्योरेटिकल नॉलेज दिया गया है, स्टैटिक पॉइंट को टेबल में कवर किया गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों धार्मिक आंदोलन देखने को मिलेगा, उसके बाद बौद्ध धर्म हो गया, उसके बाद मौर्य साम्राज्य हो गया, सारा कुछ आपको दोस्तों देखने को मिलेगा बहुत ही शानदार तरीके से। उसके बाद मौर्योत्तर काल हो जाएगा, उसके बाद गुप्त काल हो जाएगा, उसके बाद यहाँ गुप्तोत्तर काल हो जाएगा, उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश हो जाएंगे, दिल्ली एवं अजमेर हो जाएगा, सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा बहुत ही अच्छे तरीके से। मध्यकालीन भारत हो गया, मतलब पूरे इतिहास को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया गया है, ठीक है। वायसराय, गवर्नर जनरल, मतलब एक ही बुक से आप थ्योरी भी देख लीजिएगा, प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, सारा नॉलेज आपको हो जाएगा। टॉपिक खत्म होने के बाद दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं प्रैक्टिस के लिए। यहाँ दोस्तों देख सकते हैं पूरा इतिहास जब खत्म हो जाता है तो इतिहास प्राचीन कालीन, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और
आधुनिक भारत, सभी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित क्वेश्चन है, जिससे आपका तैयारी क्या होगा और भी बेहतर होगा। रिवीजन आप बेहतरीन तरीके से इस बुक के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। इस पूरा थ्योरी पढ़ने के बाद लास्ट में आपको आंसर की देखने को मिलेगा, उसके बाद विश्व का भूगोल हो गया, भारत का भूगोल हो गया, सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। विश्व के महासागर हो गए, विश्व के महाद्वीप हो गए, महत्वपूर्ण जानकारियाँ हो गए। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे जो क्वेश्चन है, प्रश्न माला हो गया, मतलब आंसर की आपको देखने को मिल जाएगा, सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। भारतीय राज्य व्यवस्था हो गया, भारतीय संविधान हो गया, आंसर की आपको देखने को मिलेगा, हर एक चीज़ आपको इस बुक के अंदर काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिलने वाला है। भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण हो गया, अर्थशास्त्र की शाखाएँ हो गए, ठीक है। काफ़ी अच्छे तरीके से दिया हुआ है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। सिंप्लीफिकेशन हो गया, मैथ्स वाले टॉपिक को भी अच्छे तरीके से इस बुक के अंदर कवर किया गया है, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, मैथ्स में आपको एग्जांपल के साथ साथ आपको प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दिया गया और हर एक टॉपिक को बेसिक तरीके से कवर किया गया, समझाया गया, ठीक है। यहाँ देखिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और उसका आंसर भी दिया हुआ है, ठीक है ना। आंसर भी आपको खोजना नहीं है, बनाना नहीं है, मतलब आंसर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं जहाँ भी आपको दिक्कत होता है। दशमलव हो गया, मतलब मैथ्स वाले भी सेक्शन को काफ़ी अच्छे तरीके से बहुत ही डिटेल में कवर किया गया दोस्तों, ठीक है। और एडवांस हो गया, बेसिक मैथ्स हो गया, सारा कुछ आपको इस बुक में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों वेन डायग्राम हो गया, वेन डायग्राम को भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से कवर किया गया है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। यहाँ रीजनिंग हो गया, नॉन वर्बल रीजनिंग हो गया, उसके बाद इंग्लिश वाला सेक्शन हो गया, इंग्लिश वाले सेक्शन को भी अच्छे तरीके से कवर किया गया, एक्सरसाइज हो गया यहाँ पे, तो हर एक चीज़ को अच्छे से कवर किया गया। सेंटेंस से इम्प्रूवमेंट हो गया, कंप्यूटर नॉलेज हो गया, कंप्यूटर ज्ञान हो गया, देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से कवर किया गया है, बहुत ही शानदार बुक है दोस्तों ये, ठीक है। इस बुक को आप परचेज कीजिए, बहुत उपयोगी ये बुक है दोस्तों, काफ़ी उपयोगी आपके लिए साबित होने वाला है। अब दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टीयर वन टीयर टू, ये इंग्लिश मीडियम का बुक है, इसमें भी आपको सारा कुछ उसी तरह से देखने को मिलने वाला है। मैं वैसे सूची आपको एक बार इंडेक्स आपको दिखा देता हूँ, कंटेंट क्या है। तो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा प्रीवियस ईयर पेपर, यहाँ पे चार प्रीवियस ईयर पेपर देखने को मिलेंगे, 1 दिसंबर, 18 अप्रैल, 19 अप्रैल और 20 अप्रैल, सभी 2022 के पेपर है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज का कंप्लीट सिलेबस देखने को मिलेगा, मैथ का कंप्लीट सिलेबस देखने को मिलेगा, उसके बाद एनालिटिकल स्किल मतलब रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस है, उसके बाद जीए का, फिर लास्ट में कंप्यूटर का कंप्लीट सिलेबस आपको देखने को मिलने वाला है। सीजीएल एसएससी सीजीएल हो गया यहाँ पे, उसके बाद रीजनिंग वाला पार्ट आपको देखने को मिलेगा, सारे क्वेश्चन यहाँ कवर किए गए रीजनिंग के। इसके बाद जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मैथ्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, ठीक है ना। बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया है, शॉर्ट आंसर की आपको देखने को मिलने वाला है दोस्तों। यहाँ पे सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया गया है, सॉल्यूशन काफ़ी अच्छा इस बुक में भी आपको देखने को मिलेगा। जीके वाले क्वेश्चन को देखिए कितने बेसिक तरीके से, कितने अच्छे तरीके से जीके वाले क्वेश्चन को भी कवर किया गया है, ठीक है। सारे ऑप्शन को समझाया गया, बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे बताया गया। मैथ्स वाले क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपको दोस्तों देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये तो हो गया दोस्तों बात प्रीवियस ईयर पेपर का, अब हम दोस्तों देख लेते हैं थ्योरी किस तरह से आपको देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ देखिए इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ से शुरू हो रहा है, सबसे पहला एक्सरसाइज है टेंस है, टेंस का दोस्तों सबसे पहले आपको थ्योरी बता दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे एक्सरसाइज यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। आंसर की आपको बताया गया है, उसके बाद यहाँ कॉमन एरर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कॉमन एरर हो गया। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगा, एक्सरसाइज वन हो गया, एक्सरसाइज टू हो गया, उसके बाद आंसर की आपको देखने को मिलेगा, डिटर्मिनेंस हो गया, मैट्रिक्स हो गया, सारा कुछ आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, उसके बाद ज्योमेट्री हो गया, ज्योमेट्री भी काफ़ी अच्छे तरीके से आपको इस बुक में सॉल्व किया गया, एलजेब्रा हो गया, उसके बाद डायरेक्शन एंड सेंस टेस्ट हो गया, उसके बाद सारा कुछ आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ फिगर हो गया, उसके बाद यह क्यूब एंड डाइस हो गया, उसके बाद यहाँ पे आपको ये हिस्ट्री वाला पोर्शन हो गया, देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से टॉपिक वाइज इन्होंने बताया हुआ है, जो इंपॉर्टेंट नोट्स है उसका अलग से टेबल इन्होंने बना दिया गया है, सारा कुछ आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए एक्सरसाइज भी आपको दे दिया गया है प्रैक्टिस के लिए, हर टॉपिक के अंत में आपको एक्सरसाइज देखने को मिलेगा प्रैक्टिस के लिए। तो बुक दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है, इस बुक को चाहे तो आप ले सकते हैं, बुक में कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और मन में अभी भी कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। थ्योरी प्लस में
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, मतलब कंप्लीट गाइड है दोस्तों ये बुक है, ठीक है। और इन दोनों बुक को आपको परचेज करना चाहिए, ठीक है ना। जो भी आप हिंदी में अगर पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी वाले बुक को ले सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश वाले बुक को आप ले सकते हैं। बुक अच्छा है दोस्तों, अगर आपको इस बुक को परचेज़ करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोगों का काफ़ी अच्छा रहा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।